नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर। और दोस्तों, आज मैं कुछ विंटर सीजन की शॉपिंग करके लाई हूँ, कुछ फर्टिलाइज़र खरीद के लाई हूँ। तो दोस्तों, आज वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ, कुछ सीड्स लेके आई हूँ। तो दोस्तों, मैं क्या क्या लाई हूँ, किस रेट में लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक कर पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा अपडेट मैं अपने गार्डन का दे देती हूँ दोस्तों, कि मैंने कुछ वर्क भी किए हैं कुछ। ये देखिए, सब ये मैंने रख रखाव किया है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा छत को क्लीन किया है, पूरा साफ किया है, पूरा धोया है दोस्तों। और पूरे प्लांट्स को भी मैंने यहाँ से वहाँ तक पूरे जमाए हैं, ये देखिए। और पूरी कटिंग की है मैंने दोस्तों, कटिंग लगाई भी है, कटिंग की भी है। तो इस प्रकार मेरा ये वाला गार्डन चल रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये सारी मेरी कटिंग रखी हुई है यहाँ से, और इधर भी, और इस तरफ में भी। ये देखिए, ये वेजिटेबल, ये लोबिया की फली कितनी बड़ी बड़ी है। और इधर पूरा क्लीन किया है, इधर भी मेरी कटिंग रखी है, और यहाँ पर मेरे पूरे अडेनियम रखे हैं दोस्तों, इसकी मैंने रिपोर्टिंग की हूँ। और इधर मेरी पूरी गुलदाउदी की कटिंग रखी हुई है, और ये देखिए, इसमें भी ये सदाबहार मैंने कटिंग कर दी थी और खाद वगैरह दे दिया, तो खूब अच्छे से फूल खिल रहे हैं। और दोस्तों, इस छत को भी मैंने पूरा क्लीन किया है, ये देखिए, पूरा जमाया है फिर से। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे प्लांट मैंने जमाए हैं, उधर भी, और कुछ इधर बीच में रखे, इनकी भी कटिंग कर दी मैंने, और इधर पूरे जमाए हैं दोस्तों। और आज देखिए, हमारे स्थल कमल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए ये डेली खिल रहे हैं दोस्तों, एक दो एक दो। ये देखिए, दो आज खिले हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर है, और एक ये कल खिला था। और इधर भी देखिए, ये दोस्तों, ये भी स्थल कमल है, और ये हाइब्रिड वाले हैं, इसका ये फूल बहुत ही बड़ा निकला था दोस्तों। ये देखिए, स्टार्टिंग में सुबह दोस्तों, एक दिन पहले इसमें वाइट कलर रहता है, ये देखिए वाइट कलर, और फिर दूसरे दिन पिंक कलर हो जाता, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इधर हमारे ये ग्लोडिया के प्लांट रखे हैं, जो मैंने सीड से ग्रो किए थे, ये दोस्तों सारे कलर हैं यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर भी ये पूरे, और ये हिबिकस की वैरायटी रखी है पूरी। और दोस्तों, ये देखिए मैरीगोल्ड कितना बड़ा हो गया है, और फूल भी देखिए बहुत ही खूबसूरत है कलर में है। ये देखिए, इधर भी हमारे छोटे मैरीगोल्ड है। तो ये वाला गार्डन भी मेरा कुछ इस प्रकार चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या परचेस किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बताऊं, मैं ये दो बोरी में खाद लेके आई हूँ, इसको खोल लेती। तो ये देखिए, ये दो बोरी में गोबर खाद लेके आई हूँ, ये एक ये बोरी, एक ये बोरी। थोड़ी सी लेट हो गई दोस्तों, मैं इस बार थोड़ी लेट हो गई, नहीं तो मुझे सितंबर में ही लेके आ जाना था, लेकिन कोई नहीं, अभी भी टाइम है दोस्तों। तो ये दो बोरी में गोबर खाद लाई हूँ, और ये 80-80 रुपीज़ की, 80-80 रुपीज़ का है। और ये लेक व्यू नर्सरी से लेके आई हूँ दोस्तों, मैं भदभदा रोड पर है ये, और वहीं से मैं ये चार ये प्लांट लेके आई हूँ, जिसमें से तीन प्लांट ये पिटूनिया के हैं दोस्तों, और ये तीन कलर है। ये देखिए, वैसे तो कल फ्लावरिंग नहीं खिल रही थी, तो मैंने ये छोटे थोड़े थोड़े से फूल खिले थे, यही देख के लेके आई हूँ। ये तीनों कलर है, और ये एक रेड कलर का मैरीगोल्ड है दोस्तों। तो ये चारों चीज़ मैं 20-20 रुपीज़ में लेके आई हूँ, ये भी मैं लेकव्यू नर्सरी से लेके आई हूँ दोस्तों। और फिर मैं कुछ फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ, वो भी बताती हूँ मैं। और दोस्तों, ये पांच मैंने ये बर्मी कंपोस्ट लेके आई हूँ, तो ये मेजे पड़े हैं 50-50 रुपए के, ये एक एक किलो के पैकेट हैं। और दोस्तों, 50 रुपए का मुझे ये
नीम खली का मिला है, ये आधा किलो का है और ये शायद हाँ 50 या 40 रुपए के हैं। ये बर्मी कंपोस्ट इकट्ठे लाई थी तो थोड़ा सा कम किया था, और 50 रुपए की आधा किलो नीम खली है। तो ये भी मैंने एक अलग दुकान से लेके आई हूँ, जो पीएनटी कॉलोनी में है वहाँ की दुकान से लेके आई हूँ। और दोस्तों ये देखिए, ये भी मैं लेके आई हूँ, तो अभी मैंने ओपन किया नहीं है, ये देखिए। तो मैं ये दो, ये मैं सरसों खली लेके आई हूँ और ये पीसी वाली है, बारीक है। ये हम जो सरसों खली लेके आते हैं वो मोटी वाली रहती है, जो खली रहती है, लेकिन ये मैं पीसी लेके आई हूँ, ये सरसों की खली। तो ये मुझे 60-60 रुपए के दो पैकेट मिले हैं और ये एक एक किलो के हैं, तो 60-60 रुपए के ये दो पैकेट लेके आई हूँ। और दोस्तों फिर लेके आई हूँ मैं, ये देखिए, ये एनपीके है, ये 19-19 है। ये मुझे उन्होंने एक किलो का पैकेट है और ये दिया उन्होंने 200 रुपए का है। दोस्तों ये नहीं, 200 का नहीं है, हाँ दोस्तों 200 का है, लेकिन उन्होंने मुझे 180 रुपए में दिया है, याद आ गया। तो ये एनपीके है 19-19, तो ये एक किलो का पैकेट है। और ये फंजीसाइड है दोस्तों, ये 250 ग्राम फंजीसाइड है और ये भी मुझे उन्होंने 240 का है, लेकिन उन्होंने 220 का दिया। तो ये साफ वाला है और सफल भी आता है, ये बहुत ही अच्छा फंजीसाइड होता है। तो ये भी ये 250 ग्राम का है। और दोस्तों फिर ये दो DAP लेके आई हूँ, ये मुझे उन्होंने 50-50 रुपए के दिए हैं। ये एक वाइट कलर की बहुत ही अच्छी है, इसमें फास्फोरस मिला हुआ है और भी दूसरे वो मिले हुए हैं। तो ये मुझे 50-50 के दो किलो के पैकेट है, ये एक एक किलो के। और फिर दोस्तों मैं ये लेके आई हूँ, पोटाश लेके आई हूँ, और ये पोटाश भी एक किलो का है ये। तो दोस्तों ये एक किलो का पैकेट, ये भी 160 रुपए का है, लेकिन उन्होंने मुझे कंसेशन करके 140 रुपए में दिया है ये पोटाश एक किलो का। और दोस्तों ये इंसेक्टिसाइड है और ये भी मुझे उन्होंने 160 की है ये, लेकिन उन्होंने 120 की दी ये वाला। तो ये भी सारे जितने भी कोई से भी कीड़े होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है, जिद्दी से जिद्दी कीड़े के लिए बहुत ही अच्छा सुटेबल होता है। तो ये भी मैं एक लिक्विड लेके आई हूँ, क्योंकि कभी कभी फंजीसाइड से काम नहीं चलता है या जो ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं तो हमको इंसेक्टिसाइड लेना ही पड़ता है। जो फूलों वाले हैं उनमें तो हम डाल सकते हैं परमानेंट फूलों वाले, और भले ही आप वेजिटेबल्स में ना डालें ये, क्योंकि ये एक केमिकल होता है तो पॉइजन भी होता है इसके अंदर थोड़ी मात्रा में। और एक ये मैं बड़ी वाली लेके आई हूँ, तो ये वाली भी मुझे ये 250 ml का है और ये भी बहुत ही अच्छा है, इससे भी सारे कीड़े मर जाते हैं। और ये मुझे 250 रुपए में दिया दोस्तों, तो ये भी बहुत ही अच्छी है, बड़ी लेके आ गई हूँ मैं इकट्ठी, ये देखिए। और फिर दोस्तों कुछ सीड्स लेके आई हूँ मैं, तो ये देखिए, बाकी तो मेरे पास रखे हुए हैं पिछले साल के, लेकिन अभी मैं लेके आई हूँ ये जीनिया है, डबल पैटर्न में मिक्स्ड है ये जीनिया। तो ये भी उन्होंने 45 रुपीज़ का दिया है या 35 रुपीज़ का दिया है। एक ये है और एक मैं ये डहेलिया मिक्स लेके आई हूँ, ये भी 35 रुपीज़ का है। लिखा तो दोस्तों इसमें 50 रुपये हैं ये देखिए, लेकिन ये 35 रुपीज़ का दिया है। और एक ये मैं ककड़ी के बीज लेके आई हूँ, ये सिंपल है, तो ये मुझे 10 रुपीज़ का मिला है। तो इस प्रकार मैंने ये सारी ख़रीदारी की है दोस्तों, क्योंकि विंटर सीजन आ चुका है, फुल विंटर सीजन, और अब ये बहुत ही अच्छा समय है फर्टिलाइज़र डालने का, क्योंकि अब सर्दी में हम हर 15 दिन 12 दिन में फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो आप चाहे तो
केमिकल ना डाले, लेकिन मैं केमिकल इसलिए लेके आती हूँ कि कभी कभी बीच में हम फूलों वाले प्लांट होते हैं उसके लिए सर्दी के समय में केमिकल थोड़ा सा चल जाता है। क्वांटिटी कम रखिएगा और ज़्यादा ना डालिएगा, गोबर खाद का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। लेकिन मैं तो बीच बीच में दोस्तों बदल बदल के ये खाद का यूज़ कर लेती हूँ। और सीड्स भी लगाने का बहुत ही अच्छा समय है अभी, क्योंकि सर्दियाँ अच्छे से आ गई है, तो आप भी ये चीज़ परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं पूरा सामान PNT कॉलोनी एक दुकान है वहाँ से परचेस करके लेके आई हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छे से मिल जाता, थोड़ा बहुत कंसेस कर देते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी ख़रीदारी आप लोगों को, अगर पसंद आई तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, और बहुत बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी बनी और मेरी ख़रीदारी कैसी हुई, मेरी शॉपिंग कैसी हुई दोस्तों। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।